Imagina con él. ¡Six Sassi! ¡Maese Jesús Carrao! जैसे नर्मदा में बहता बहता कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसे सिद्धू आपके बीच में आके महसूस कर रहा है। और ये मेरा बड़ा भाई कीर्ति आजाद, ये मुझसे लंबा छक्का मारता था, ठोको ताली इसके लिए, मिलो मील इतना ऊंचा मारता था कि एयर होस्टेस से हाथ मिला के बॉल नीचे आती थी, ठोको ताली। और मैं भी जब जवान था छक्का मारता था बॉल बाउंड्री पार, लेकिन तुम मुझसे तगड़े हो, ऐसा छक्का मारो कि मोदी हिंदुस्तान की बाउंड्री पार। राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तीन मोदी भाग गए चौथा बोल रहा झूठ। वो पिक्चर देखी थी हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, कुली नंबर वन, अब मोदी का फिल्म आ रहा फेंकू नंबर वन। ठोको ठोको ताली ठोको। अरे काहे का तू चौकीदार है, हाँ कुत्ता भी चोर है चौकीदार, वो भी मिल गया है। बोलो बोलो बोलो, मैं बोलता हूँ भैया टोपी, कंजों को कंघी का प्यार आया, अंधों के बाजार में आईने के खरीददार हैं, शहर के सब चोर कह रहे हैं हम भी चौकीदार हैं, हम भी चौकीदार हैं। नरेंद्र मोदी, रामायण में आता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तुमने कहा था गंगा साफ कर दूंगा, तुमने कहा था 90 लाख करोड़ रुपया जो विदेशों में छुपा के रखा है बड़े बड़े करोड़पतियों ने, उनसे छीन के गरीब की झोली में 15 लाख डालूंगा। तुमने कहा था 364 संकल्प करता है नरेंद्र मोदी, 364 संकल्प, उसमें लोकपाल, उसमें किसान का इनकम दुगना, उसमें 20-20 लाख, उसमें हर तरह का सुविधा गरीब को दूंगा। तुमने बोला था तो मिला क्या, बाबा जी का ठुल्लू मिला। ठोको ताली ठोको। झूठ की बुनियाद पे खड़े हो तुम नरेंद्र भाई मोदी, और फिर कहते हो अब की बार मोदी सरकार। अरे मैं कहता हूं जब कोई बोले अब की बार, तुम कहना बस कर यार। ठोको ठोको ताली ठोको। छा गए अभी तो हुआ शुरू, देखो जरा इंजन गर्म होने दो। बांट रहे हो देश को नरेंद्र मोदी, सात पात की राजनीति कर रहे हो, फौज के कंधों से सियासी तीर चला रहे हो, मुद्दों से भगोड़े हो गए हो। दो चीजों के लिए जाने जाओगे ऐतिहासिक, नौजवानों के लिए पकौड़ा योजना और अमीरों के लिए भगौड़ा योजना। बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, और संगत भगौड़ों की। ठोको ताली। बांट रहे हो तुम हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे। नरेंद्र मोदी सिद्धू ललकारता है तुम्हें और कहता है न मंदिर की बात हो न मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो, किसान की पगड़ी की बात हो, औरत के सम्मान की बात हो। मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। तुम वही प्रधानमंत्री हो ना मोदी, जो कहते थे बहनों भाइयों, बहनों भाइयों, बरेली चले गए
मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि झुमका यहीं तो गिरा था। ये प्रधानमंत्री है क्या? पकड़ लो पूंछ। बहनों भाइयों, नरेंद्र मोदी तुम कहते थे बहनों भाइयों ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मैं नवजोत सिंह सिद्धू तुम्हें ललकारता हूं और कहता हूं तुमने जम के खाया और अडानी को तुमने जमा के खिलाया। 35,000 करोड़ रुपया तुमने राफेल की दलाली की, अंबानी के बैंक में डाले। तुम गए फ्रांस, ऑफसेट पार्टनर बनाया अंबानी को, और जो फायदा हिंदुस्तान की सेना को आना चाहिए था वो एक गिरी हुई मरी हुई कंपनी 7,500 करोड़ में उसका शेयर फ्रांस से तुमने 10 रुपए का 1100 में खरीदवाया। 1100 करोड़ का कर्जा अंबानी का तुमने 56 करोड़ में निपटारा कराया। सुनो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यदि दम है तो सत्य को सुनो। आए थे 2014 में गंगा के लाल बन के और जाओगे 2019 में राफेल के दलाल बन के। यदि सत्य से गुरेज है तो आओ हिंदुस्तान की सरजमीन पे कहीं किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, अपने घर के बाहर, किसी गली में, किसी चौबारे में, और आओ बहस कर लो सिद्धू से कि तुमने खाए और खिलाए नहीं। यदि मैं हार गया तो राजनीति सदा के लिए छोड़ दूंगा। मोदी आओ मैदान। तुमने ये आ जा। अरे चुप ना, इधर आ। मैं हेमा मालिनी हूं क्या? डॉक्टर के ये बुजुर्ग है। रुक जा। इस पे शेर सुनाता हूं। आयु थोड़ी बड़ी है पर उत्साह आज भी वही है। नदी थोड़ी सूखी है पर पानी का प्रवाह आज भी वही है। वही चमचम, वही दमखम, मनठाट वही है, तलवार पुरानी है पर थार और काट आज भी वही है। निकल लो। बच्चे बूढ़े और जवान करंट में है भैया, यही चाहिए। और अब नरेंद्र मोदी, मैं तुमसे सवाल करता हूं, क्या चौकीदार, और तुम कहते हो कि तुम चौकीदार हो, क्या चौकीदार कभी किसी गरीब की कुटिया के बाहर खड़ा देखा है? नहीं। क्या चौकीदार किसी किसान के घर के बाहर देखा है? नहीं। क्या चौकीदार किसी झोपड़पट्टी में देखा है? नहीं। देखा है? नहीं। नहीं ना। अरे काहे का तू चौकीदार है? मच गई देश में हाहाकार है। GST और नोटबंदी ले बैठा दुकान को, कर्जा ले बैठा किसान को, नशा ले बैठा नौजवान को। अरे 15 लाख का मोदी अभी तक इंतजार है। काहे का तू चौकीदार? काहे का तू चौकीदार? ठोको ताली। आज इसके पोतड़े खोल के जाऊंगा। ये याद रखेगा कि किसी से पाला पड़ा था, फिकर मत करो, गिरूंगा तो तू कैच कर लेना मेरा। तेरे सारे तो खड़े, तू ही तो झंडे में डंडा है और कीर्ति भैया के तंबू में तू ही तो बंबू है। फिकर मत कर, गिरने वाला नहीं हूं। मुझे किसी ने पूछा, कीर्ति भैया, मुझे किसी ने कहा कि बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। मैंने कहा और कितना गिरेगी भाई, और कितना गिरेगी? ठोको ताली। नरेंद्र मोदी, किसान 2 लाख रुपए कर्जा लेता है, तुम उससे ब्लैंक चेक लेते हो। यदि वो 2,000 रुपया महीना दे नहीं पाता तो तुम उसकी जमीन की मुनियादी करवाते हो, ढिंडोरा पिटवाते हो, उसे जेल में ठुकवाते हो। और अंबानी ने 46,000 करोड़ रुपए नहीं दिए देश के, अडानी ने 1,00,000 करोड़ रुपया नहीं दिया देश का, उनके साथ तुम्हारा क्या टाका बिड़ा है? उनसे तुम ब्लैंक चेक क्यों नहीं लेते? मैं बताता हूं मोदी,
क्योंकि हर रोज सवेरे अडानी और अंबानी तुम्हें देख के गाना गाते हैं, नाच मेरी बुलबुल नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां कदरदान अंबानी अडानी जैसा मिलेगा। ठोको ताली ठोको। ये ना बाप पड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के सबसे बड़ा रुपया। सिद्धू का क्यों नहीं बिगाड़ पाए तुम? क्योंकि सिद्धू पे माथे पे लिखा है, कीर्ति के माथे पे लिखा है, राहुल गांधी के माथे पे लिखा है नॉट फॉर सेल। ठोको ताली।